मैं मॉन्ट्रियल गया अशरे मुहर्रम के लिए, तो वहाँ मेरे मेज़बान ने कहा कि यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में बहुत आला पैमाने पर हैं, पहले हिंदू थे अब शिया, क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? मैंने कहा जरूर मिले। खैर वक्त आ गया, मैं गया बहुत सी बातों के बाद। मैंने कहा भाई आप ये बताइए कि ये रुदात क्या है आपकी? कहले कि जब मैं हिंदुस्तान में था तो अपने मजहब से बेजार था। कि कैसी बात है कि हम लोग खुद बुद्ध बनाते हैं उसको सजा कर, बेजार था मगर मैं अपनी बेजारी का ऐलान नहीं कर सकता था, इससे कोई नकद कर दिया जाता। देखिए जब मैं यहाँ आया पीएचडी करने यहाँ आया तो अब मैं आज़ाद माहौल में था, मैंने मजहब पर तहकीक करना शुरू की। मेरे जो साथी थे प्रोफेसर साहबान, उनमें हर मज़हब के लोग थे, तो उनमें मजूसी भी थे, तो पहले उन्होंने एक किताब रखी दी। मैंने कहा ये तो हमारे हिंदू मज़हब से बिल्कुल करीब है, हम लोग बुद्ध बना के पूछते हैं, ये आग जला के पूछते हैं, ये तो मेरे मतलब का नहीं है। फिर किसी ने इंजील दे दी, उसमें कुछ किस्से थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, मैंने कभी किस्सों से मेरे को तल्लुक नहीं। फिर एक यहूदी था, उसने तौरात ला के दी, तौरात को मैंने पढ़ा, कुछ बातें अच्छी लगीं मगर एक जुमले ने मुझे परेशान कर दिया, और ये था कि अगर बनी इसराइल का कोई शख्स जुर्म करे तो उसकी सज़ा हल्की है, और बनी इसराइल के बाहर का कोई शख्स जुर्म करे तो उसकी सज़ा दुगनी। मैंने कहा ये अल्लाह का कानून नहीं हो सकता, अल्लाह के कानून में नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह के नज़दीक सब उसके मखलूक हैं, सब उसके बंदे। ये तफरीक बता रही कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। फिर तजस्सुस करता रहा यहाँ तक कि एक मुसलमान ने मुझे कुरान दे दिया। कुरान जो मैंने खोला तो पहला जुमला बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो कायनात की परवरिश कर रहा है। मैंने कहा ये बात है, प्रसाद कहते हैं कि ये बात मुझे दिल को लगी कि ये वाहिद किताब है जो यहाँ से शुरू करती है बात कि उस अल्लाह के लिए तारीफ है जो कायनात की परवरिश कर रहा है, दरख्तों की परवरिश कर रहा है, मेवों की परवरिश कर रहा है, फलों की परवरिश कर रहा है, हैवानात की परवरिश कर रहा है, इंसानों की परवरिश कर रहा है, ये किताब इस काबिल। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे दिल की कली खिलती गई, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, किसी फर्द बशर की नहीं हो सकती। फिर मैंने दोस्त पूछा कि भाई ये किताब किस पर नाजिल हुई थी? लोगों ने हुजूर का नाम दिया तो मैंने उनका कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने उनसे पूछा, अब ये हिस्सा आपके खास काम का है, मैंने उनसे पूछा ये तो ठीक है कि आप दायरे इस्लाम में आ गए मगर आले मोहम्मद के दरवाजे तक कैसे पहुंचे? आले मोहम्मद के दरवाजे कैसे पहुंचे? कहने इसी कुरान ने पहुंचाया। अच्छा कुरान ने पहुंचाया कैसे? कहने दो आयतों ने पहुंचा दिया, एक सूरह तौबा की आयत क्या इत्तकुल्ला वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो सच्चों के साथ। मैंने कहा यकीनन ये पैगाम बहुत बरहक है कि इंसान को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, किसी और से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सच्चों के साथ रहना चाहिए, ऐसे सच्चे जो गुफ्तार में सच्चे, रफ्तार में सच्चे, सीरत में सच्चे, किरदार में सच्चे, जिंदगी में सच्चे, बंदगी में सच्चे, अल्लाह के साथ सच्चे, बंदों के साथ सच्चे। वाजिल फरजम, तो एक तो सुरह तौबा की आयत मेरे जहन में उतर गई कि इंसान को हमेशा सच्चों के साथ रहना चाहिए। अब मैंने जस्तजू की कायनात के सबसे बड़े सच्चे कौन हैं ताकि मैं उन्हीं के फॉलो करूं, तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 60 ने मेरी रहनुमाई की कि जहां पैगंबर को हुक्म दिया गया था कि फमन पैगंबर जो लोग इल्म और यकीन आने के बावजूद आपसे बहस कर रहे हैं उनसे कहिए ताला न दो अपना आना व अपना अकुम
वनसाना वनसाकुम वानफसना वानफसकुम सुम्मा नजहिल फनजा सुम्मा नबतहिल फनजा लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। ऐ पैगंबर, जो लोग इल्म यकीन आने के बावजूद, चूंकि ईसाई बहस कर रहे थे पैगंबर से ईसा के अल्लाह के बेटे होने पर, पैगंबर फरमाते भाई जिस तरह अल्लाह ने आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर दिया, उसी तरह उसने जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया। ना आदम बगैर माँ और बाप के पैदा होने की वजह से अल्लाह के बेटे हैं, ना ईसा बगैर बाप के पैदा होने से अल्लाह के बेटे हो सकते हैं। वो भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी, ये भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी, लेकिन वो लोग बात नहीं मान रहे थे। तो आखिर में तय हुआ था कि अब इनसे मुबाहला होगा, मुबाहले में ही अपने बेटों को लाएँ, हम अपने बेटों को लाएँ, हम अपने नफ्सों को लाएँ, अपने वो अपने नफ्सों को लाएँ, हम अपनी औरतों को लाएँ, वो अपनी औरतों को लाएँ। आखिरी जुमला जो है फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन, लाएँ अपने लोगों को ताकि झूठों पर लानत करें। वो कहते हैं प्रोफेसर साहब, किस आयत ने निशानदही की कि पैगंबर को हम देखें किन हस्तियों को झूठों पर लानत के लिए ले जा रहे हैं। कहते हैं कि वाकई ये 9 हिजरी का है। 9 हिजरी तक मुसलमान 1 लाख से ज्यादा हो चुके थे। वो कहते हैं कि हमें तलाश करना था कि पैगंबर झूठों पर लानत के लिए किन लोगों को ले गए, ताकि ये वाज हो जाए कि कायनात के सबसे सच्चे वही हो सकते हैं जिन्हें अल्लाह का रसूल झूठों पर लानत के लिए ले जा रहा। अज्जल फर्जों और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हर तारीख ने, हर किताब ने, हर तफसीर ने मुझे यही बताया कि पैगंबर अपने साथ झूठों पर लानत के लिए जिन लोगों को ले गए थे वो 4 हस्तियां थीं, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन। तो पंजतन का काफिला गया था झूठों पर लानत के लिए। यकीनन इतने सच्चे थे अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कि झूठों पर लानत करने के हकदार थे। तो कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत ने मुझे कहा था कि सच्चों के साथ रहो, और सूरह आले इमरान ने बताया कि कायनात के सबसे सच्चे वही हैं जिन्हें अल्लाह का रसूल झूठों पर लानत के लिए ले जा रहा था, और वह पंजतन पाक की ज़ात गिरामी थी। वाजल फरहम, तो कुरान में सब चीज़ मौजूद है।